प्यारे बच्चों, आप सभी ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.5 के सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग उससे आगे की जो भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं बुक में, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे आगे तो हमारी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज लगी हुई है, लेकिन हम लोग उससे पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज से पहले जो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स हैं, पहले उन्हें कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे, ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलिनियस एग्जाम्पल्स, जो कि मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने जो भी बुक है उसमें 42 नंबर मिसलिनियस एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल है और 51st सबसे लास्ट मिसलिनियस एग्जाम्पल है। तो 42 नंबर से लेकर 51 नंबर तक के क्वेश्चंस जो कि मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में हैं, इन्हें हम लोगों को सॉल्व करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 42, ओके। मैं पढ़ता हूँ, आप प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है, एक कार समय t इज इक्वल टू जीरो पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की दूरी x मीटर में x इज इक्वल टू t स्क्वेयर अंडर ब्रैकेट 2 - t/3 द्वारा प्रदत्त है। कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है। अब मैं फिर से पढ़ता जाता हूं और इसमें दी गई सारी जानकारी को मैं 1 by 1 नोट करूंगा। लिखा है, कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके। एक समझने के लिए छोटा सा फिगर मैं यहां पर बना लेता हूं। सपोज कि ये है पॉइंट P और ये है बिंदु Q। उन्होंने बोला t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है, तो जब बिंदु P पर है उस समय t इज इक्वल टू क्या है, 0, और यहां से चलना प्रारंभ करता है। अगर t इज इक्वल टू 0 से ही चलना प्रारंभ करता है तो आप समझ रहे हैं कि यहां वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0। भाई आप देखो ना, t बराबर 0 पर चलना शुरू करता है। अगर कोई चीज आप ही सोचिए, आप कहीं से चलना शुरू करते हैं तो जब आप चलना शुरू कर रहे हैं उससे पहले तो आप चल नहीं रहे ना। अगर उससे पहले चल नहीं रहे तो इसका मतलब उससे पहले आपका वेग 0 है। आगे प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। अब ये जो भी कार है वो चलते चलते जाती है और Q पर जाकर रुक जाती है। रुक जाने का मतलब क्या है? रुक जाने का मतलब फिर से कि V का मान कितना हो गया, 0, ओके। अच्छा, क्या यहां पर हम ये लिखें कि t बराबर 0? आंसर इज नो, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अब ये प्रारंभ तो है नहीं, यहां से चलते चलते कुछ वक्त गुजरा होगा तब यहां पहुंची होगी। रुकी है तो v 0 है, लेकिन रुकी है तो t हमेशा 0 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां क्यों लिखा था? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि यहीं से शुरू कर रही है वो t बराबर 0 से, ओके। अब कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में दी गई है, तो मैं इसे नोट कर लेता हूं। कार द्वारा t सेकेंड में तय की गई दूरी, तो कार द्वारा t सेकेंड में तय की गई दूरी जिस फॉर्मूले से दी जा रही है, वो एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है, t स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2 - t/3, इसके द्वारा दी जाती है, ठीक। अब क्वेश्चन में लिखा है, कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करिए। माना ये कार को P से Q तक पहुंचने में जो टाइम लगा है, ये टाइम आपको पता लगाना है तो ज्ञात करना है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ज्ञात करना है। देखिए, ज्ञात करना है कार को Q तक पहुंचने में लगा समय। कार को Q तक पहुंचने में लगा समय, एक तो ये मालूम करना है, दूसरी चीज P और Q के बीच की दूरी भी ज्ञात करिए।
पी व क्यू के बीच दूरी, यानी कि पी क्यू, ये भी आपको मालूम करना है। ठीक, दो चीजें सॉल्व करके निकालनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, दूरी वाला हम ये एक्सप्रेशन जो हमको दिया गया है इसको हम नोट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर अंडर ब्रैकेट टू माइनस टी बाई थ्री। देखिए बेटा, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैंने ये जो फिगर मैंने बनाया क्वेश्चन पढ़ के, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि P पर भी वेलोसिटी जीरो है और Q पर भी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, ये जो दूरी का एक्सप्रेशन मेरे पास है, इस दूरी के एक्सप्रेशन से मैं पहले वेग बनाऊंगा, और वेग क्योंकि P पर भी जीरो है और Q पर भी जीरो है, फिर हम वेग को जीरो के इक्वल लिखेंगे, उसको सॉल्व करके T मिलेगा और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। हमको ये पता लग जाएगा कि जब जब वेग जीरो है तो वो टाइम क्या था, और टाइम ही हमको पता लगाना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले, हाँ एक चीज मैं बताऊं, आप सभी बच्चों को याद होगा, अगर कभी भी दूरी या विस्थापन का एक्सप्रेशन दिया है टाइम के पदों में और आपको वेग पता लगाना है, तो आप क्या करें, टी के सापेक्ष दूरी का या विस्थापन, जो भी एक्सप्रेशन टी के पदों में आपको दिया गया है उसका आप अवकलन कर दें। तो टी के सापेक्ष दूरी के एक्सप्रेशन का अवकलन करेंगे, वेग मिल जाएगा। और अगर आप एक चीज और देखा है कि अगर आप टी के सापेक्ष वेग के एक्सप्रेशन का अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष, तो त्वरण मिल जाता है, या दूसरे शब्दों में हम आपको बताएं कि त्वरण के लिए आप चाहें तो दूरी या विस्थापन का दो बार अवकलन कर सकते हैं, तो भी आपको त्वरण मिल जाएगा। और ये चीज पहले भी आपको कई बार आ चुकी है, बताई भी गई है। फिर से, दूरी या विस्थापन के एक्सप्रेशन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर वेग मिलेगा, वेग के एक्सप्रेशन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने से त्वरण मिलेगा, और दूरी या विस्थापन के एक्सप्रेशन का दो बार समय के सापेक्ष अवकलन करने से भी आपको त्वरण मिल जाएगा। हम वेग निकालना चाहते हैं, इसलिए वेग, तो वेग के लिए क्या करेंगे, डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी एक्स मतलब दूरी का करेंगे ना, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखें, ये लिखेंगे, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हो जाएगा टू टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब अपॉन थ्री, टू टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब अपॉन थ्री, ये वेग। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, अवकलन कर दीजिए इसका आप, तो क्या मिलेगा देखिए गौर से, 2t स्क्वायर का 4t हो जाएगा माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 3, t क्यूब का 3t स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर। ओके, अब p और q दोनों बिंदुओं पर वेग जीरो है, तो हम ये देखेंगे कि जब जब वेग जीरो है, तो मतलब कब कब वेग जीरो है, ये देखना चाहते हैं। अब v इज इक्वल टू जीरो रखने पर v की वैल्यू क्या है, ये आई हुई है 4t माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर ले, तो पहले t कॉमन कर लेंगे हम, 4 माइनस t इज इक्वल टू जीरो, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर लेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर लेंगे, तो आपको टी की दो वैल्यूज मिलेंगी, टी की एक वैल्यू आपको मिलेगी जीरो और टी की दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी फोर। आप जानते हैं बेटा इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यह है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर भी वेग जीरो है और टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड पर भी वेग जीरो है, ये इसका मतलब है। अब t बराबर 0 सेकंड पर वेग 0 है, ठीक है, t बराबर 4 सेकंड पर भी वेग 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि p से q तक आने में कितना टाइम लगा होगा उसको, 4 सेकंड। समझ आया भाई, t बराबर 0 पर वेग 0 है, ये तो साफ दिख रहा है मुझे,
एक बार और वेग जीरो है कब, जबकि 4 सेकंड गुजर गए, यानी कि 4 सेकंड गुजरने के बाद फिर से वेग जीरो हुआ, अर्थात यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। तो हम कह सकते हैं जो पहले सवाल का जवाब था कार को क्यू तक पहुंचने में लगा समय, स्पष्ट है कि कार को P से Q तक, कार को P से Q तक पहुंचने में लगा समय बराबर 4 सेकंड, इतना टाइम लगा। एक बात तो आ गई, दूसरा P और Q के बीच की दूरी। अब थोड़ा ध्यान से बेटा देखिएगा, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, अभी आपने बताया 4 सेकंड। तो आपको नहीं लगता कि यहां से यहां तक आने में अगर 4 सेकंड लगे हैं तो इन 4 सेकंड में कार ने जितनी दूरी तय की है वो दूरी ही तो पी क्यू के बराबर होगी, इसलिए पी व क्यू के बीच की दूरी, पी व क्यू के बीच दूरी P व Q के बीच दूरी अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी आप निकाल लीजिए, 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। देखो T सेकंड में तय की गई दूरी का ये फॉर्मूला है, 4 सेकंड में तय की गई दूरी इसी से निकल आएगी, बस आपको T की जगह 4 लिखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू t की जगह 4 लिखेंगे, 4 स्क्वायर 2 माइनस 4 बाई 3, सॉल्व कर देंगे 16 × 3 × 6 − 4 2/3, x इज इक्वल टू 16 × 2 = 32/3 मीटर, या अगर यूनिट में दिया है, कोई मीटर वगैरह यूज़ नहीं किया है तो हम यूनिट यूज़ कर सकते हैं, x मीटर में है तो ठीक है, इतने मीटर डिस्टेंस। अब दोनों आंसर हमारे पास आ गए, क्या है दोनों आंसर, पहला आंसर ये था कि P से Q तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, तो कार को P से Q तक पहुंचने में लगा समय 4 सेकंड है, और P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी, वो 32/3 मीटर के बराबर है। आप आंसर देख सकते हैं, यही आंसर इसका आ रहा है। ओके, तो ये हमने कौन सा एग्जाम्पल कर लिया, मिसलेनियस एग्जाम्पल 42 कर लिया। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आप देखिए, अगर फिर भी आपको लगता है, फिर भी अगर कभी भी जरा सा भी आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो 42 नंबर एग्जाम्पल है, आप नोट करें, इसके बाद लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 43। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा 43 नंबर, मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है, पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे लंब वृत्तीय शंकु है। पानी की एक टंकी है जो कि ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे लंब वृत्तीय शंकु के जैसा है, मतलब लंब वृत्तीय शंकु है लेकिन वो उल्टा रखा हुआ है, जिसका शीर्ष नीचे है, उल्टा होगा तो शीर्ष नीचे होगा ऑब्वियसली, इसका अर्ध शीर्ष कोण टैन इनवर्स 0.5 है, इसमें 5 मीटर क्यूब पर मिनट की दर से पानी भरा जाता है, 5 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि 1 मीटर में 5 मीटर क्यूब पानी भरा जाता है। मीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है, इसका मतलब है कि पानी का जो लेवल है उसमें 1 मिनट में 5 मीटर क्यूब आयतन भर जाता है पानी का। पानी के स्तर के बढ़ने की दर उस क्षण ज्ञात करिए, पानी के स्तर के बढ़ने की दर, स्तर मतलब उसका लेवल, उसका हाइट, पानी के जो जब आप टंकी में भरेंगे तो पानी लगातार ऐसे हाइट बढ़ते जाएगी, तो उसके हाइट के बढ़ने की दर आपको पता लगानी है। जब टंकी में पानी की ऊंचाई 4 मीटर है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूं, एक टंकी बनानी है मुझे, जैसा कि अभी अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा कि उल्टे शंकु की तरह की टंकी है ये, ऐसी इस तरह की टंकी है, ये इसकी अक्ष है
ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसकी, इस तरह से। ये मान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर अक्ष अगर है तो ये जो हाइट है इसकी टंकी की वो एच है, और टंकी का जो रेडियस है वो स्मॉल आर के बराबर है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। ओके, इसमें मीटर वगैरह में है तो हम इसको मीटर में ही मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे माना पानी की टंकी की ऊंचाई एच मीटर तथा आधार की त्रिज्या आर मीटर है, ये हमने मान लिया। अब आगे पढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे लंबवृत्ति शंकु है जिसका शीर्ष नीचे है, शीर्ष नीचे कर दिया हमने, इसका अर्ध शीर्ष कोण टैन इनवर्स 0.5 है। पहले भी दो क्वेश्चन हम लोग पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं जिसमें अर्ध शीर्ष कोण की बात हुई थी। अब आप फिगर देख के अर्ध शीर्ष कोण आपको समझ आ जाता होगा कहां पर पड़ेगा, तो ये अर्ध शीर्ष कोण ये वाला है, इसको हम कुछ मान लेते हैं थीटा, तो माना अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, माना शंक्वाकार टंकी का अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 0.5। अब अगर थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 0.5 तो हम इसे लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू 0.5 मींस 1/2, 0.5 एक का आधा तो होता है तो 1/2 लिख दिया। एक चीज और छोटी सी आप देखें, यहां पर टैन थीटा, अगर ये एक ट्रायंगल, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो अगर टेन थीटा यहाँ से निकालेंगे थीटा के लिए ये लंब होगा और ये भुजा आधार होगी, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर हम इसके कुछ नाम रख दें ए बी सी, तो टेन थीटा के लिए लंब कौन, लंब का काम कौन करेगा, बी सी, और आधार ए सी। टेन थीटा बराबर लंब बी सी आधार ए सी 1/2, टेन थीटा लंब बटे आधार बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना है आर, तो इसकी जगह हमने आर लिख दिया, ए सी कितना है एच इज इक्वल टू 1/2। ठीक, इतनी चीज हमने यहाँ से निकाल ली, आई होप कि समझ आया होगा। ओके, इसमें 5 m³/min की दर से पानी भरा जाता है, आप सभी बच्चे समझ रहे हैं 5 m³/min, ऊपर आयतन है नीचे टाइम है, यानी कि समय के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। तो यहां पर ये चीज हमको दी गई है, दिया है डी डी टी ऑफ वी इज इक्वल टू 5 m³/min, ये चीज हमको दी गई है कि समय के सापेक्ष टंकी में भरे हुए पानी के आयतन का जो परिवर्तन है वो इस तरीके का है, जहां V टंकी में भरे हुए पानी का आयतन है। जहां V टंकी में भरे पानी का आयतन है, ठीक। अच्छा, और आगे, पानी के स्तर के बढ़ने की दर उस क्षण ज्ञात कीजिए जब टंकी में पानी की ऊंचाई 4 m है। तो टंकी में पानी की ऊंचाई 4 m, ठीक। उस वक्त आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है,
आपको ज्ञात ये करना है कि जब इसमें पानी भरा जा रहा है तो ये जो हाइट है पानी की लेवल, वो किस दर से बढ़ रही है। किस दर से बढ़ रही है मतलब समय के सापेक्ष पानी के स्तर के बढ़ने की दर, ये आपको ज्ञात करना है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन में से निकाल ली। अब बड़ा आसान है ये सब कुछ करना, आपको बस एक काम करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको टंकी के आयतन से लेना है, आयतन बराबर टंकी में भरे पानी का आयतन। आप तो जानते हैं टंकी किस आकार की है, शंकु के आकार की, और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr² h 1/3 πr² बेटा। यहाँ से r की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगी भैया आपको, h उधर चला जाएगा, तो ये h अपॉन 2। आर स्क्वेयर करना है, स्क्वेयर करोगे तो ये क्या मिलेगा, h स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू एच। देन v इज इक्वल टू पाई अपॉन 12 एच क्यूब, पाई अपॉन 4 रिजल्ट 12 एच स्क्वायर इंटू एच एच क्यूब। समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का, क्यों, क्योंकि हमें dv अपॉन dt की वैल्यू दी गई है, इसलिए समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप तो यह आ जाएगा डी डी टी ऑफ वी इज इक्वल टू पाई बाय 12, और एच क्यूब का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह मिलेगा 3h² इंटू dh अपॉन dt। ओके, क्योंकि फलन h का है, अवकलन t के सापेक्ष आप कर रहे हैं, इस वजह से 3 से ये कैंसल होगा। dv अपॉन dt की वैल्यू हमको दी गई है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 5 m³/min इज इक्वल टू पाई बाय फोर एच स्क्वेयर, एच इज 4 m, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, dh अपॉन dt वी हैव टू फाइंड, 4 4 16, ठीक है, हमें dh अपॉन dt चाहिए तो ये चीज़ें अपॉन में भेजनी पड़ेंगी, तो dh अपॉन dt इज इक्वल टू 5/4π, और क्योंकि हाइट अपॉन टाइम है इसलिए इतने मीटर प्रति मिनट, मतलब साफ है कि एक मिनट में 5/4π m हाइट पानी की बढ़ते जाएगी। इसमें जो आंसर है वो पाई की वैल्यू लिखी जा रही है तो हम भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5/4, पाई की जगह पर 22/7 करेंगे, वो 7 पलट करके ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 और 22 × 4 = 88 इतना, और यूनिट क्या लिखेंगे, ऊपर हाइट है तो मीटर पर मिनट। इस तरह से डी डी टी ऑफ एच की वैल्यू निकल करके आ गई। ओके, बस क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, जो भी उसमें बताया जाता है वो सारी जानकारियां अगर आप नोट कर लेते हैं, उनसे जो कुछ क्ल्यूज मिलते हैं उनको हमने सॉल्व किया, इसके बाद जो चीज़ हमको दी गई है उसके मुताबिक कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैंने आयतन लिखा, और आयतन में क्योंकि दो वेरिएबल थे r और h, तो हमने, हमारे पास एक ये मिल चुका था पहले ही, तो r के पदों में h, r का मान h के पदों में, वो हमने ल्यूट कर दिया। अब सिंगल वेरिएबल बचा अवकलन कर दिया, वैल्यूज लिखे आंसर आगे, बस इतना सा आपको करना था। तो आई होप कि ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 43, आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 44 पे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 44, ठीक है, लिखा है 2 m ऊंचाई का आदमी 6 m ऊंचे बिजली के खंभे से 5 km/h की समान चाल से चलता है, दूर 5 km, अच्छा दूर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात करिए। मतलब मैं एक छोटा सा फिगर यहां पर बना के आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने ऐसे बना लिया, ये हमने बना लिया, ये बिजली का एक खंभा है, ये
बिजली का खंभा। ठीक, ओके। 6 मीटर ऊंचा बिजली का खंभा, ये जो बिजली का खंभा है ये इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर की है। 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी, अब 6 मीटर का खंभा है फिर 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी है यहाँ पर, ये हमने मान लिया कि 2 मीटर ऊंचाई का ये आदमी है। ठीक है, चलिए बना रहने देते हैं, 2 मीटर ऊंचाई का ये आदमी है, ये आदमी बना दिया हमने। अब इसकी परछाई बनेगी तो कहाँ बनेगी, यहाँ पर लैंप लगा होगा, बल्ब लगा होगा। अगर इसकी जो परछाई बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, परछाई यहां से जो लाइट जाएगी वो इस तरह से जाकर के इस आदमी की शैडो यहां पर बनाएगी। तो आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, ये उस आदमी की परछाई होगी, आदमी की परछाई। ठीक है, क्योंकि बल्ब अगर यहां लगा होगा तो बल्ब की विपरीत दिशा में परछाई बनेगी, ये यहां पर बल्ब लगा हुआ है, ये इधर की तरफ परछाई बन जाएगी। ये जब आदमी सर, क्योंकि दूर की तरफ जाएगा तो जब आदमी यहां पर है तो खंभे से इसका डिस्टेंस ये है। थोड़ा ध्यान से बेटा इस चीज को देखिएगा कि जब आदमी यहाँ खड़ा है तो खंभे से इस आदमी तक का डिस्टेंस इतना है, जब ये आदमी चलते चलते और दूर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो ये दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और दूर जाएगा दूरी और बढ़ जाएगी। तो आदमी जितनी दूर जाता जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और इधर जो आदमी की परछाई है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। आप कभी भी गौर करिए, कहीं पर भी एक बल्ब लगा है रात में और अगर आप उसे दूर जाते हैं तो आपका जो शैडो बनता है उसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। इसकी कुछ लेंथ मैं मानना चाहता हूं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, इस फिगर में, फिगर में देखिए ए बी इज इक्वल टू कितना है, 6 मीटर, और सी डी इज इक्वल टू कितना है, सी डी इज इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम मान लेते हैं, माना बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, तथा सी ई इज इक्वल टू, सी ई इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, सी ई जो कि आदमी की परछाई है इसको हम वाई मीटर मान लेते हैं। अच्छा भाई, अब इन्होंने बोला उसकी छाया, हाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे लिखा है 2 मीटर ऊंचाई का आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर पर आवर की समान चाल से चलता है। मतलब ये जो आदमी है ये खंभे से दूर जा रहा है और कितनी स्पीड में जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान से बेटा आप देखेंगे तो एक चीज यहां पर पाएंगे आप, अभी मैंने बताया कि आदमी जैसे जैसे दूर जाते जाएगा बीसी बढ़ता जाएगा, बीसी यानी कि एक्स बढ़ता जाएगा, और ये एक्स किस स्पीड में बढ़ रहा है, जितनी स्पीड में अभी आदमी जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्स के बढ़ने की दर 5 किलोमीटर पर आवर है। तो ये चीज भी हमको दी गई है, क्या दिया है, एक्स के वृद्धि की दर को किससे लिखोगे, डी डी टी ऑफ एक्स, और किस स्पीड में बढ़ रही है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बढ़ते चले जा रही है। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये दी गई। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है, बी जैसे जैसे आदमी दूर जाएगा बी से सी तक का डिस्टेंस ये बढ़ते चला जाएगा, यानी कि एक्स बढ़ेगा और एक्स किस दर से बढ़ेगा, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगा। अब उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि की दर ज्ञात करनी है आपको, इसमें से जो चीज ज्ञात करना है उससे हम नोट कर लेते हैं, छाया की लंबाई की वृद्धि की दर, छाया कितनी मानी गई है, सी ई, सी ई का मान वाई, इसका मतलब छाया के बढ़ने की दर मतलब वाई के बढ़ने की दर आपको पता लगानी है। तो डी डी टी ऑफ वाई ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, बस इतना सा हमारा क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे है, आपको
करना ऐसे है कि अगर x के वृद्धि की दर आपको मालूम है, y के वृद्धि की दर पूछी गई है, तो ज़रूर x और y में कोई ना कोई रिलेशन तो हमारे पास होना ही चाहिए। x और y में कोई ना कोई रिलेशन हमारे पास होना चाहिए। अब वो रिलेशन कैसे आएगा, उसके लिए हम एक काम करेंगे, समरूप त्रिभुज की थ्योरम का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी ई आप देखें, समकोण त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज डी सी ई, डी सी ई समरूप त्रिभुज है। कैसे समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल इसलिए हैं, आप तो जानते हैं किन्हीं भी दो त्रिभुजों की अगर कोई भी दो चीजें आपस में बराबर हो जाएं तो वो समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज डी सी ई दोनों त्रिभुजों का ये एंगल कॉमन है, ए बी ई और डी सी ई का ये एंगल कॉमन है, ठीक है। अच्छा, दोनों त्रिभुजों में आप देखिए कि इनका दोनों का ये वाला एंगल आप देखिए, बड़े त्रिभुज का ये एंगल 90 डिग्री, छोटे त्रिभुज का ये एंगल 90 डिग्री, दो चीजें बराबर हो गई। फिर से, बड़े त्रिभुज का एक एंगल 90, छोटे का भी एक एंगल 90, दोनों त्रिभुजों का ये एंगल सेम, इसका मतलब है इन दो त्रिभुजों की दो चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं मतलब बड़े भुजा का अगर लंब ले, बड़े त्रिभुज का लंब ले रहे हैं तो छोटे त्रिभुज का लंब लेना पड़ेगा उसके उसके साथ, फिर बड़े त्रिभुज का आधार ले रहे हैं तो छोटे त्रिभुज का आधार लेना पड़ेगा। जैसे आप देखिए समरूप त्रिभुज है, इसलिए हमने यहां पर लिखा ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई। देखो कैसे, ए बी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन डी सी, बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बी ई बटे छोटे त्रिभुज का आधार सी ई, बी ई अपॉन सी ई। अब इनकी वैल्यूज आप लिख दीजिए, ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, डी सी इज इक्वल टू 2 मीटर, बी ई, बी ई इज एक्स प्लस वाई। देखो बेटा, बी से ई तक ये एक्स है और परछाई कितनी है वाई, तो बी से ई तक टोटल चाहिए, तो एक्स प्लस वाई अपॉन सी ई, सी ई के लिए क्या चाहिए वाई, देखो सी ई के लिए वाई। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई में एक रिलेशन आपको मिलेगा। सॉल्व करिए, 2 3 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इधर ले आइए, 2y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब हमने y और x में एक रिलेशन तो कायम कर लिया, अब बड़ी आसानी से हमें d dt ऑफ y चाहिए, तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यह आ जाएगा d dt ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 d dt ऑफ x। ओके, अच्छा, तो d dt ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 d dt ऑफ x, यू आर सीइंग दैट d dt ऑफ x इज 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है उस आदमी के परछाई के बढ़ने की जो दर है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर। मींस, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आदमी बिजली के खंभे से दूर जा रहा है, क्या स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसा होने से उसकी परछाई लगातार बढ़ते जा रही है, उसके बढ़ने की क्या स्पीड है, 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स आदमी जब खंभे से दूर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है,
उस वक्त उसकी जो परछाई है वो एक घंटे में 2.5 किलोमीटर बढ़ जाती है, ये इसका मीनिंग है। तो इस तरह से ये हमने एग्जांपल नंबर 44 भी कर लिया, ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुजों की प्रमेय की मदद से हमने एक्स और वाई में रिलेशन निकाला और उसके बाद अवकलन करके आसानी से सॉल्व हो गया। आई होप कि समझ में भी आया आपको, तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 45। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 45, जिसमें लिखा हुआ है वक्र एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y के किसी बिंदु पर, वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, उस पर कोई एक पॉइंट भी है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। आपको उस पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण पता लगाना है जो बिंदु 1,2 से होकर जाता है। अब क्वेश्चन तो हमने पढ़ा, आपने भी देखा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो लास्ट में उन्होंने लिखा कि, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, कि वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 1,2 से होकर गुजर जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहां जो का क्या मतलब है? अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 1,2 से गुजरता है। तो कौन बिंदु 1,2 से गुजरता है? साफ पता चल रहा है कि अभिलंब बिंदु 1,2 से गुजरता है। अब इसी पॉइंट को स्ट्रेस करके देखिएगा हम आंसर निकालेंगे, कि अगर हमने पहले भी बताया है कि कोई भी लाइन या कोई भी वक्र किसी बिंदु से गुजरता है तो वो बिंदु उस वक्र या लाइन को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। आज यहां अभिलंब बिंदु 1,2 से गुजरता है, तो इसका मतलब ये बिंदु अभिलंब को संतुष्ट करेगा। ये बहुत याद रखिएगा, इसी से हमारा काम आगे बन जाएगा। लेकिन पहले नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं। हमको एक कर्व की इक्वेशन दी गई है, दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। ये एक कर्व दिया गया है और एक बिंदु हमको दिया गया है, गिवन पॉइंट। एक बिंदु हमको दिया गया है और वो बिंदु है 1,2। ओके, अच्छा, अब करना क्या है हमको? वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब, वक्र पर एक बिंदु होगा उस पर अभिलंब बनाएंगे और फिर वो अभिलंब 1,2 से गुजार देंगे। बस काम तो इतना ही सही है हमारा। अब इतना सा काम करने में जो कैलकुलेशन लगेगा वही करना है हमको। उसके लिए सबसे पहले वक्र पर हमको एक बिंदु मानना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे माना वक्र पर बिंदु एच कॉमा के है। अब आप सभी जानते हैं कि अगर वक्र पर यह बिंदु है तो यह बिंदु वक्र को संतुष्ट करेगा, इसलिए बिंदु एच कॉमा के से वक्र को संतुष्ट करने पर, संतुष्ट करने पर तो x की जगह h, y की जगह पर k लिख देंगे, ये आ जाएगा h स्क्वेयर इज इक्वल टू 4k। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने एक चैप्टर पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल का, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब का, वहीं से मदद से हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। उसके लिए पहले मुझे वक्र की स्पर्शी की, मुझे वक्र के अभिलंब की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, उसके लिए वक्र का अवकलन करेंगे। वक्र एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करेंगे तो 2x, ये 4ddx ऑफ y। इस तरह से ddx ऑफ y की वैल्यू आपको क्या मिली? ddx ऑफ y, ये 2x अपॉन 4 या x बाई 2, 2 × 4 x बाई 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बता सकते हैं कि ये क्या आ गया? ddx ऑफ y की वैल्यू आई, इसका मतलब है ये है वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता। याद आ रहा है आपको? हमें तो वक्र के बिंदु h कॉमा k पर स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है, इसलिए
वक्र के बिंदु H, K पर इस पर C की प्रवणता, वक्र के बिंदु H, K पर इस पर C की प्रवणता, उसके लिए d dx ऑफ y एट h कॉमा k निकालना पड़ेगा हमको। तो d dx ऑफ y में x की जगह h, y की जगह k लिख दो। d dx ऑफ y में x की जगह पर h, y की जगह पर k, तो y तो है ही नहीं इसलिए x की जगह पर h लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखो बेटा ये क्या आ गई है, ये वक्र के बिंदु h कॉमा k पर इस पर c की प्रवणता, लेकिन हमें तो अभिलंब का समीकरण चाहिए तो हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे, इसलिए वक्र के बिंदु h कॉमा के पर अभिलंब की प्रवणता इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन इस पर सी की प्रवणता ठीक है, तो माइनस वन अपॉन इस पर सी की प्रवणता, इस पर सी की प्रवणता बेटा आपने देखा कितनी आ रही है, ये h बाय टू, इसको हमने सॉल्व किया ये वैल्यू आ जाएगी माइनस टू अपॉन h, m इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन h, ये इस पर C की अभिलंब की प्रवणता निकल करके आई ठीक है। अब अभिलंब की प्रवणता निकलने के बाद हम वक्र के बिंदु h, k पर अभिलंब का समीकरण निकालना चाहते हैं, इसलिए वक्र के बिंदु एच कॉमा के पर अभिलंब का समीकरण, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से, एक्स वन वाई वन की जगह h के, m की जगह क्योंकि अभिलंब का समीकरण निकाल रहे हो अभिलंब की प्रवणता लिखो, तो y माइनस के इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन h एक्स माइनस एच ओके। ये इसको आप कुछ भी कर लो ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, वन क्योंकि यहां पर ले चुके हैं। अब ये क्या आ गया, ये अभिलंब का समीकरण आया, क्वेश्चन के मुताबिक जो अभिलंब है वो बिंदु एक कॉमा दो से गुजरता है, इसलिए एक कॉमा दो बिंदु अभिलंब को संतुष्ट करेगा। यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अभिलंब बिंदु एक कॉमा दो से गुजरता है, जो अभिलंब बिंदु एक कॉमा दो से गुजरता है, इसलिए बिंदु वन कॉमा टू अभिलंब को संतुष्ट करेगा, अभिलंब को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा मतलब x की जगह पर वन और y की जगह टू लिखना है, तो y की जगह टू लिख दो, माइनस के इज इक्वल टू अपॉन h, x की जगह पर वन लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो h इधर लाएंगे, ये बन जाएगा टू एच माइनस एच के इज इक्वल टू, देखिए टू एच माइनस एच के इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू एच, माइनस टू प्लस टू एच ओके, इतना आ गया। अब यहाँ पर हमको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आप एक काम करें, क्योंकि इस इक्वेशन में एच और के दोनों आ रहे हैं,
क्यों ना हम एक काम करें, के की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें लिख दें। समीकरण एक से के इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन फोर। देखो बेटा, हमारा मेन टारगेट सबसे पहले ये बिंदु पता लगाना है। अगर ये पॉइंट पता लग गया तो अभिलंब का समीकरण ये हमारे पास है, हम लिख करके इसमें आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन पहले पॉइंट पता लगे एच और के के मान। तो यहां से के की वैल्यू निकालेंगे, एच स्क्वायर अपॉन फोर आएगा, वो वहां लिख देंगे। लिखिए जहां भी के है, तो ये टू एच ओ, 2h से ये 2h आप कैंसिल कर सकते हैं, 2h माइनस एच के इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2h, ठीक है। तो ये हमने लिखा इंटू k की जगह पर हम लिख देंगे h स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ये 4 उधर चला जाएगा, तो h क्यूब इज इक्वल टू 8, देन h इज इक्वल टू 2। अब h की वैल्यू आ गई तो हम k निकालना चाहते हैं, k यहीं से निकाल लेते हैं समीकरण एक से। इसलिए समीकरण एक से, समीकरण एक में है h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, h लिखोगे, h का स्क्वायर करोगे, 4 इज इक्वल टू 4k, देन k इज इक्वल टू 1। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर जो अभीष्ट बिंदु मिला एच कॉमा के, उसकी वैल्यू आ रही है 2,1, ठीक है। ये बिंदु वक्र पर है 2,1, इसी बिंदु पर अभिलंब हमको पता लगाना है। अब इन्होंने पूछा था अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए, तो ठीक है, अभिलंब का समीकरण समीकरण 2 से ज्ञात हो जाएगा आपको। इसलिए समीकरण 2 से वक्र का अभीष्ट अभिलंब, समीकरण 2 से वक्र का अभीष्ट अभिलंब, यहां पर वैल्यू लिखो, h की जगह पर 2, k की जगह पर 1 लिखेंगे, तो y माइनस k की जगह पर 1 लिखना है बेटा, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एच की जगह पर 2, x माइनस एच की जगह पर 2, ये 2 से 2 कैंसिल, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको, x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये अभिलंब का समीकरण निकल करके हमको मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक ही बात है, वो आप चाहे जैसे कर लीजिए। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 45 हम लोगों ने लगाया, पहले बिंदु माना, बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, अभिलंब की प्रवणता निकाली, अभिलंब का समीकरण निकाला, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक अभिलंब 1,2 से गुजरता है तो संतुष्ट कराया, संतुष्ट कराने पर थोड़ी सी मदद 1 से ली और h निकल आया, h से k निकल आया, और उसके बाद जब h और k दोनों आ गए तो वक्र के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकाल दिया हमने रख करके, वही हमको करना था। तो ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 45, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 46 पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 46, क्वेश्चन में पढ़ता हूं आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है वक्र वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, वेयर माइनस टू पाई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई की स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 के समांतर है। अब फिर से जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो एक चीज तो आपको समझ में आई, उन्होंने बोला स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 के समांतर है। कौन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 के समांतर है? स्पर्श रेखा। तो अगर स्पर्श रेखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 के समांतर है, आपने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जो स्पर्श रेखाएं हैं वो दी गई रेखा के समांतर हैं, इसलिए स्पर्श रेखाओं की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता दोनों बराबर होनी चाहिए आपस में, ठीक है। बस इसी पॉइंट को स्ट्रेस करके हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। लेकिन उससे पहले जो चीजें हमें गिवेन है पहले उन्हें नोट कर लिया जाए जरा।
हमें कर्व दिया गया है, दैट इज y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, और x के लिए एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है आपको, दैट माइनस 2 पाई इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, माइनस 2 पाई इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, और एक रेखा दी गई है हमको, वो रेखा भी लिख लेते हैं। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई टू 2 पाई, क्लोज्ड इंटरवल, माइनस क्लोज्ड इंटरवल माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई तक, ओके। और एक रेखा हमको दी गई है, दी गई रेखा है हमारी x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0, ये रेखा हमको दी गई है। तो ये कर्व x के लिए, ये एक आप डोमेन मान सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई तक कुछ भी हो सकती है, और ये दी गई रेखा है। इसका काम तब पड़ेगा जब हम ये करेंगे कि स्पर्श रेखा, क्योंकि इसके समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और इसकी प्रवणता आपस में बराबर करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले वक्र पर हमको एक बिंदु मानना पड़ेगा, तो चलिए मान लेते हैं, माना वक्र पर बिंदु, आप अगर चाहें तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर लें, आप मत मानिए वक्र पर बिंदु, ठीक है, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए करिए, ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस, और इस पूरे को आप x मान लो, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कॉस x, कॉस x का क्या होगा माइनस साइन x, x की जगह पर x प्लस वाई, लेकिन x प्लस वाई को हमने x माना है, वाकई में तो x नहीं है ना, इसका अवकलन करना पड़ेगा, इसमें x का अवकलन 1 होगा और y का होगा डी डी एक्स ऑफ y, ठीक। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, क्योंकि हमें डी डी एक्स ऑफ y तक पहुंचना है, इसको मल्टीप्लाई करवाइए, तो ये आ जाएगा माइनस x प्लस वाई माइनस x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ y, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो आप इस पूरे टर्म को इधर ले आइए, तो ये हमने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इन दोनों पदों से डी डी एक्स ऑफ वाई आप कॉमन कर सकते हैं, अगर डी डी एक्स ऑफ वाई आप कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ओके। अच्छा, इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ये डी डी एक्स ऑफ वाई निकल करके आया, डी डी एक्स ऑफ वाई निकल करके आया, इसका मतलब है दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु x कॉमा वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। आपको स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो रेखा x प्लस 2 वाई इज़ 0 के समांतर हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता, इन्होंने ये ठीक है, ये क्या चीज़ आ गई है, ये वक्र के बिंदु x कॉमा वाई पर या वक्र के बिंदु x कॉमा वाई पर
स्पर्शी की प्रवणता है, स्पर्शी की प्रवणता। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्वेश्चन के मुताबिक जो स्पर्श रेखा है वो दी गई रेखा के समांतर है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा, प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता बराबर होनी चाहिए। दी गई रेखा की प्रवणता, ये हमारा पुराना नॉलेज कहता है स्ट्रेट लाइन से, कि अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होनी चाहिए। यहां पर स्पर्श रेखा और दी गई रेखा समांतर हैं, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। स्पर्शी की प्रवणता ये आई हुई है माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई, दी गई रेखा की प्रवणता, ये दी गई रेखा है। प्रवणता कैसे निकालते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है वन, वाई का गुणांक दो। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, माइनस वन से माइनस वन कैंसल हो गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा टू साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई का वन से मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई। इसको इधर लेते आइए, ध्यान से देखना बेटा, ये टू साइन एक्स प्लस वाई है, ये वन साइन एक्स प्लस वाई है, ये जब इधर माइनस होगा आके तो टू साइन एक्स प्लस वाई में एक साइन एक्स प्लस वाई माइनस हो जाएगा, एक साइन एक्स प्लस वाई मिलेगा इज इक्वल टू वन। आप चाहें तो बउआ हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू, बिकॉज साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन, तो वन की जगह हमने क्या लिख दिया साइन पाई बाई टू। अब हम इसकी एक जनरल वैल्यू निकालना चाहते हैं एंगल की। आपने देखा एक फॉर्मूला याद होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इन टू अल्फा, याद आया। वहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन, अल्फा की जगह पर, अल्फा की जगह पर पाई बाई टू आपको मिल जाएगा। ओके, यहां से हम एंगल्स बना सकते हैं। तो ये हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गई। अगर ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिली, जहां पर एन क्या चीज है, वेयर एन जो है वो कोई भी इंटीजर है। इंटीजर मतलब समझते हैं बेटा, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण अंक, पूरे पूरे अंक, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये n की जगह पर हम इनमें से कुछ भी वैल्यू लिख के देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू निकल करके आ गई। अब अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकल करके आ गई है तो हम पूर्णांकों के लिए n अगर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज थोड़ा सा देखने की बारी है। तो हम n बराबर जीरो से स्टार्ट करते हैं, n इज इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि पूर्णांक ही तो लेने हैं n की जगह पर, तो n इज इक्वल टू जीरो पर x प्लस वाई की वैल्यू देखो कितनी होगी। अगर n इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो लिखेंगे तो क्या मिलेगी x प्लस वाई की वैल्यू, पाई बाई टू। देखो ना, यहां जीरो लिखोगे तो जीरो हो गया, यहां जीरो लिखोगे माइनस एक, जीरो का मान एक, एक गुणे पाई बाई टू, पाई बाई टू, x प्लस वाई पाई बाई टू मिला। अगर x प्लस वाई पाई बाई टू मिला तो y की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखिए, इसलिए y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई से
वाई इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू मीन्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। कैसे? यहाँ पर देखो y अगर 0 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा? पाई बाई टू। तो जब हम n बराबर 0 लिखेंगे तो x पाई बाई टू मिलेगा, y 0 मिलेगा। कर्व पर पहला पॉइंट जो मुझे मिलेगा दैट विल बी पाई बाई टू कॉमा 0। हो सकता है ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी हो आपको, लेकिन बड़ा आसान है। एक बार फिर से देखें, n क्या चीज़ है? पूर्णांक। पूर्णांकों में कौन आते हैं? अगर आप नंबर लाइन पर देखेंगे तो 0 आता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स में 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं ऐसे डॉट डॉट आगे, नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3 ऐसे ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले n बराबर 0 से स्टार्ट किया, n बराबर 0 लिखा तो x प्लस वाई इसमें लिखा तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें पाई बाई टू मिली। x प्लस वाई की वैल्यू मिलते ही हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई की जगह पाई बाई टू, तो y बराबर cos x प्लस वाई से x प्लस वाई की जगह पाई बाई टू लिखा तो y बराबर cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू 0 तो y 0 आ गया। जब y 0 आ गया तो x पाई बाई टू आ गया, पहला पॉइंट आ गया। अब हम n इज इक्वल टू 1 पर लेते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी देखिए, n इज इक्वल टू 1 पर, तो n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, पाई प्लस, अगर n की जगह 1 लिखेंगे -1 की घात 1 तो -1 गुणे पाई बाई टू -π/2। आप इसे सॉल्व करिए तो x प्लस वाई कितना मिल जाएगा, पाई बाई टू। देयरफोर y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई से y इज इक्वल टू cos पाई बाई टू मीन्स y इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos पाई बाई टू इज 0। अब जब y 0 हो जाएगा देन x इज इक्वल टू y 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू। एक बार फिर से एक बिंदु मुझे मिला पाई बाई टू कॉमा 0 और वही तो इसमें मिला था। अब हम n बराबर -1 ले लेते हैं, पूर्णांक ले रहे हैं, पहले 0 लिया फिर प्लस 1 लिया अब -1 ले रहे हैं। n इज इक्वल टू -1 पर x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 लेंगे तो ये -π प्लस, ध्यान से देखिए -1 की घात -1 -1 to the power -1 हम इसे लिख सकते हैं 1/-1 बटे में लाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से वैल्यू कितनी बचेगी, -1 तो -1 की घात -1 आएगा, -1 को π/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा -π/2। इस तरह से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई -3π/2। सॉल्व करेंगे ना -2π -π -3π/2। अब अगर x प्लस वाई की वैल्यू इतनी आ गई है देयरफोर y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई से y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, x प्लस वाई की जगह -3π/2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। cos -3π/2 cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर y 0 आ गया तो x यहाँ पाई बाई टू था, सॉरी y 0 आया था, y 0 तो x पाई बाई टू ठीक है। अब अगर यहाँ y की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ x कितना होगा, therefore x is equal to y 0 है यहाँ लिखो, यहाँ पर y 0 लिख दो तो x कितना आएगा, -3π/2। इसलिए अभीष्ट बिंदु क्या मिला, -3π/2, 0। अब n की जगह पर क्या लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए, फिर -2 फिर 3 -3 4 -4 ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। लेकिन आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम मिलेगी जब आप n की जगह जब 2 लिखेंगे तो n की जगह 2 लिखने से आप पाएंगे, देखो एक चीज और देखो, जितने भी इंटीजर्स अभी तक हमने लिखे हैं सभी के लिए y की वैल्यू कैसी है, 0। यहां पर भी y 0, यहां पर भी y 0,
मैं आपको बताऊं, जितने भी इंटीजर्स आप लिख डालें, लेकिन सबके लिए वाई का मान हमेशा कैसा रहेगा? जीरो। अगर सबके लिए वाई की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, तो एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? इतनी, क्योंकि वाई तो जीरो हो जाएगा, एक्स हमेशा कितना रहेगा? इतना रहेगा, ठीक है। अगर x इतना रहेगा, फिर उसके बाद n की जगह पर आप 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4 लिख के देखेंगे, तो आप पाएंगे कि x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, जितने n की जगह जितने भी पूर्णांक आप लिख लें, y हमेशा कैसा है? जीरो। अगर y हमेशा जीरो है, therefore x की वैल्यू आएगी n pi plus minus 1 to the power n into pi by 2। अब अगर आप x की जगह पर 2 लिखिए, 2, तो देखिए ये 2 pi, यहां 2 लिखेंगे तो माइनस 1 की घात 2 plus 1 गुणे pi by 2, तो 2 pi plus pi by 2, 2 pi plus pi by 2 आपने देखा है, यानी कि वैल्यू 2 pi से ज्यादा निकल गई x की वैल्यू। और यहां पर आप देखो, x की वैल्यू मैक्सिमम 2 पाई होनी चाहिए, 2 पाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा कब हुआ? जब हमने n की जगह 2 लिखा, जब n की जगह 2 लिखा तो x की वैल्यू 2 पाई से ऊपर निकल गई, जो कि हम नहीं ले सकते। इसका मतलब x की जगह पर हम 2 सॉरी n की जगह 2 नहीं लिख सकते। इसी तरह से जब आप इनकी जगह माइनस 2 लेके करोगे, तो वो माइनस 2 पाई से छोटा जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। कहने का मेरे मतलब यूं कि जब तक आप n अर्थात पूर्णांक की जगह पर 0 माइनस 1 प्लस 1 लिखोगे, तब तक x और y रेंज में रहेंगे, x रेंज में रहेगा। लेकिन अगर आप पूर्णांकों में अर्थात n की जगह पर आप 2 - 2, 3 - 3, 4 - 5 - 5 लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपका जो x आएगा वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। इसलिए हम x और y की केवल यही वैल्यू निकाल पाते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू हमको नहीं मिल पाती है। कुछ बात समझ में आ गई आपको? ये वैल्यू मिलती है, तो कितनी वैल्यू मिली? एक्चुअली निकाला जरूर हमने 3, लेकिन मिली हमको 2 ही, एक पाई बाई 2, 0 पॉइंट मिला, एक -3 π/2, 0 मिला। मैं फिर से आपको बता दूं, n यहां पर क्या है? पूर्णांक है। n की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... और -1, -2, -3, -4, -5... ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन केवल 0, 1 और प्लस 0, माइनस 1 और प्लस 1 लिखने से ही आपके x रेंज के अंदर रहेंगे। इसके अलावा 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4 लिखना स्टार्ट कर देंगे, x रेंज से बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम वो नहीं लिखते, केवल बस इतना ही लिखते हैं। और यहां से वक्र पर हमको बेसिकली दो बिंदु मिले, एक पाई बाई 2, 0 और एक -3 π/2, 0 मिला। अब इन्हीं बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देंगे, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ आया। तो प्लीज, जगह नहीं है हमारे पास, आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम उसे करते हैं, ओके। देखिए बेटा, अतः वक्र के बिंदु, एक पॉइंट क्या है? π/2, 0। वक्र के बिंदु π/2, 0 पर स्पर्शी का समीकरण, फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 = mx - x1 से x1 की जगह π/2, y1 की जगह पर 0 और m की जगह स्पर्शी की प्रवणता। और आपने अभी देखा कि स्पर्शी की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर है, और दी गई रेखा की प्रवणता है -1/2। फिर x - x1 की जगह पर π/2, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो y = -x/2 + π/4, ठीक। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 4y = -2x + π। इसको इधर लेते आएंगे तो 2x + 4y = π। ये एक रेखा का समीकरण निकल करके आ गया। आप चाहें तो अपनी बुक से आंसर मैच कर सकते हैं। रेखा का एक समीकरण आ गया, 2x + 4y = π, ओके। इस बिंदु पर एक दूसरा बिंदु भी हमको मिला हुआ है। अब
वक्र के बिंदु, दूसरा बिंदु है -3π/2, 0, वक्र के बिंदु -3π/2, 0 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, फिर से वही फॉर्मूला y-y1=mx-x1, से x1 की जगह -3π/2, y1 की जगह 0, तो y-0, m की जगह फिर से -1/2, क्यों? क्योंकि स्पर्शी की प्रवणता लिखनी है और स्पर्शी की प्रवणता तो दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर है और दी गई रेखा की प्रवणता अभी आपने निकाली थी -1/2 आई थी। x माइनस एक्स वन की जगह -3π/2, तो ये प्लस हो जाएगा 3π/2। इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा y=-1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x/2, -1/2 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -3π/4। फिर से पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा लो आप, 4y=-2x-3π, ओके? इस 2x को इधर ले आओ, 3π को भी इधर लेते आओ, तो 2x+4π+3π=0। इस तरह से ये रेखा का दूसरा समीकरण आ गया। तो जो भी वक्र हमको दिया गया था उस पर ये दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, एक 2x+4y+3π=0, एक 2x+4y=π, या पाई को इधर ले आओगे तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी आपकी, 2x+4y-π=0, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है? एंड आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी। यहां पर मैंने क्या किया है आप समझ रहे हैं, x के लिए जो रिस्ट्रिक्शन हमको दिया गया था कि x का मान -2π से छोटा और +2π से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो जब हमने n की जगह पूर्णांक लिखने स्टार्ट किए, n जो था उसमें आता था -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 .. ऐसे। अब हमने जब ये वैल्यू लिखनी शुरू की तो पहले 0 लिखा, फिर +1, फिर -1, अब 2 लिखते, फिर -2 लिखते, फिर 3 लिखते, फिर -3 लिखते, लेकिन यही तीन वैल्यूज लिखने से ये मान तो हमको मिले, लेकिन जब हम 2 लिखने जाएंगे, 3 लिखने जाएंगे, -2, -3 लिखने जाएंगे, उस वक्त आपका जो x आपको मिलेगा, जो भी x आपको मिलेगा, वो x जो रेंज हमको दी गई थी -2π से +2π तक, उसके बाहर हो जाएगा। इसलिए फिर ये वाली वैल्यूज हम रखते ही नहीं हैं, ये वाली वैल्यूज हम उसमें रखते ही नहीं हैं, बस इन्हीं से जो हमको x और y के मान मिले उन्हीं को हमने अपना बिंदु बना लिया और उन्हीं बिंदुओं पर हमने समीकरण निकाल लिया स्पर्श रेखा की, बस इतना सा काम हमने किया हुआ है, ठीक है? तो ये हमने लगाया एग्जाम्पल नंबर 46। आई होप कि समझ आ गया होगा, आप प्लीज इसे नोट कर लें, इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 47 पर, ओके? नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 47, लिखा है उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनमें फलन fx=3/10x^4 -4/5x³ - 3x²+36/5x+11 वर्धमान है और ह्रासमान है। ये वर्धमान और ह्रासमान से क्वेश्चन है, तो मैं जो फलन मुझे गिवेन है पहले मैं उसको नोट कर लेता हूँ। ये है 3/10x^4 -4/5x³ - 3x²+36/5x+11 और आपको उन अंतरालों को ज्ञात करना है जिन पर ये फलन वर्धमान और ह्रासमान है, ठीक है? आपको तरीका याद करिए क्या किया जाता था। सबसे पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर अवकलन करके इसको x के fx=0 लिखेंगे और एक्स वाई और x के मान निकालेंगे, फिर उनसे जितने भी पॉसिबल इंटरवल्स होंगे पॉसिबल इंटरवल्स बनाएंगे और हर इंटरवल पर चेक करेंगे एफ डैश एक्स कैसा है। जिस इंटरवल पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा उसमें दिया गया फलन वर्धमान, और जिस इंटरवल पर दिया एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा उस इंटरवल के लिए दिया गया फलन ह्रासमान होगा, बस इतना सा है। सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3/10 इंटू 4x³, ठीक है, माइनस 4/5 इंटू 3x² माइनस 3 इंटू 2x प्लस 36/5x का 1, 11 का 0 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 2 4 4, 2 5 10, इस तरह से ये बना 6/5x³, 3 2 6/5x³ माइनस ये 12/5x² माइनस 6x प्लस 36/5, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल करके आई। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, हम चाहें तो इसमें से हम 6/5 सबसे कॉमन कर सकते हैं, तो अगर 6/5 यहाँ से कॉमन हो गया तो ये x³ बचा, इसमें से 6/5 कॉमन किया तो ये 2x² बचा, इसमें से 6/5 कॉमन किया तो ये -5x बचा, इसमें से 6/5 कॉमन कर लिया तो ये 6 बच गया। अब इसको हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है, और फैक्टर करके यहाँ पर लिखना है। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और सभी बच्चों को याद होगा क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर करना, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, यही है। अब इसको आपको पहले भी एक दो बार बताया जा चुका है कि सबसे पहले x की जगह पर अपने आप से कुछ वैल्यू लिख के देखो, और जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वहां से इसका एक फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो हम x की जगह पर 1 लेके देखते हैं, अगर x बराबर 1 लिखेंगे आप तो 1³ 1, 1² 1 × 2 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, आप देख सकते हैं ध्यान से, 1 और 6 7, माइनस 2 माइनस 5 7, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 रखने पर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल आ गया, इसलिए x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 है, 1 इधर लाओगे तो x माइनस 1 व्यंजक x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, ठीक। अच्छा, अगर x माइनस 1 इस व्यंजक का गुणनखंड है तो इसके बाकी गुणनखंड क्या है, उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको इसमें डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड करो, फिर जो कोशियंट आपको मिलेगा उसको फैक्टर करो। आपके पास एक दूसरा तरीका और भी है कि हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 बार आप लिख दो, x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके यही बनाना है आपको, किसी से गुणा भाग जो भी करना है करो, सबसे पहले x³ चाहिए, तो x³ बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, आपको नहीं लगता कि x² से कर दें, x² से करेंगे तो x³ तो बन जाएगा लेकिन -x² एक्स्ट्रा आ जाएगा, हमें -x² आ जाएगा पर हमें कितने x² चाहिए, -2x² चाहिए, तो इसमें -x से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों, थोड़ा ध्यान से देखें, -x² यहाँ से मिलेगा, -x² यहाँ से मिल जाएगा, -x² -2x² बन जाएंगे। अब -2x² बन तो गया लेकिन उसके चक्कर में प्लस एक्स एक्स्ट्रा मिल गया, प्लस एक्स मिल गया, हमें चाहिए -5x, हमारे पास है प्लस एक्स, तो हम -6 से गुणा करा देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस एक्स मिला, ये -6x, प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 5x बन जाएगा, और -6 को -1 से गुणा करोगे प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह से इसको आप देखें, ये सेटल हो गया। अब इसमें x माइनस 1 आप कॉमन कर सकते हैं, अगर आप x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा,
एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस वन, इसको फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा तीन दूना छः, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू, इस तरह से ही आ जाएगा। तो इस पूरे का फैक्टर करने के बाद ये आपको मिलेगा। आप पहले भी कर चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए ये 6/5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखो बेटा, इसकी वैल्यू आ गई x माइनस वन, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ओके, ये एफ डैश एक्स का मान निकल करके आ गया। क्यूबिक इक्वेशन है, शेषफल प्रमेय से इसका हमने गुणनखंड कर दिया है। ओके, अब एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर लेने पर, एफ डैश एक्स बराबर जीरो लेने पर इससे हमें एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, अंतराल बन पाएंगे। एफ डैश एक्स की जगह पे है 6/5, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। 6/5 कॉन्स्टेंट है, उधर भेज दोगे तो जीरो हो जाएगा। बाकी इससे, इससे और इससे जो एक्स की वैल्यूज हमको मिलेंगी, इससे मिलेगी वन, ये माइनस टू, और यहाँ से मिलेगा थ्री। एक्स की तीन वैल्यूज मिली। अब हमें अंतराल बनाना है तो हमने एक नंबर लाइन बना ली, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस टू वन थ्री, यहाँ पर मैंने मान लिया माइनस टू, उसके बाद वन आएगा और उसके बाद थ्री आएगा। अगर आप इंटरवल्स बनाना है तो एक इंटरवल तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसलिए संभव अंतराल जितने पॉसिबल इंटरवल्स हैं वो कौन कौन से बने, एक बना माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, दूसरा माइनस टू से वन, तीसरा वन से थ्री, और चौथा संभव अंतराल जो बना वो है थ्री टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अब ये जो अंतराल मिले, बारी बारी से एक एक अंतराल पर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल के देखेंगे कि पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। सबसे पहले इस अंतराल पर देखो, अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू पर एफ डैश एक्स मान कितना है, हमें इससे मतलब नहीं है, निशान कैसा आएगा हमें इससे मतलब है, ये चीज मुझे देखनी है। तो कौन से इंटरवल पर आपको चेक करना है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू पर। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच कोई भी नंबर ले लो और उसे एफ डैश एक्स में लिख लो और देखो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। थोड़ा ध्यान से देखें, माइनस इन्फिनिटी माइनस टू के बीच का कोई भी नंबर, माइनस फाइव ले लो आप, इसके बीच माइनस पाँच पड़ेगा ना, माइनस पाँच ले लो, माइनस पाँच लोगे देखो 6/5 से तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं, माइनस पाँच लोगे तो माइनस पाँच माइनस एक माइनस, माइनस पाँच प्लस दो ये भी माइनस, माइनस पाँच माइनस तीन ये भी माइनस, माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस और तीन माइनस से वैल्यू कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। इसलिए अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू पर फलन ह्रासमान है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा इंटरवल लीजिए, अंतराल माइनस टू कॉमा वन पर एफ डैश एक्स, माइनस टू कॉमा वन, आप देखो बेटा माइनस टू और वन इसके बीच का कोई भी नंबर जो आपको अच्छा लगे वो ले लो और उस पर एफ डैश एक्स निकाल के देखो, इनके बीच कहीं ना कहीं जीरो आएगा तो हम जीरो ले लेते हैं, इजी रहेगा। आप जीरो लोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दो नेगेटिव हैं, ये क्या कर लेंगे, ये पॉजिटिव बना देंगे। इसलिए अंतराल माइनस टू कॉमा वन पर फलन वर्धमान है। ओके, अब थर्ड इंटरवल ले लीजिए,
अंतराल 1.3 पर f डैश x, एक और तीन के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, दो ले लेते हैं, दो लिखिए, जब दो यहां लिखेंगे, दो माइनस एक प्लस, दो प्लस दो प्लस, दो माइनस तीन माइनस, प्लस प्लस माइनस। अब आप सोचो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस रहेगा, फिर वो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतराल 1.3 पर जो फलन दिया गया है वो कैसा होगा, ह्रासमान है। ओके, अच्छा अगला और लास्ट इंटरवल ले लेते हैं, अंतराल 3.∞ पर f डैश x, 3 से अनंत के बीच का जो इंटरवल है उस पे कोई भी नंबर आप ले लो, जो मर्जी, आप 4 ले लो सीधे, आप 4 लिखोगे, ध्यान से देखना f डैश x ही तो चेक करना है, 4 लिखोगे, 4 माइनस 1 कैसा आएगा, क्या आएगा हमें कोई मतलब नहीं, कैसा आएगा, 4 माइनस 1 करने से प्लस आएगा, 4 प्लस 2 करने से प्लस आएगा, 4 माइनस 3 से भी प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस रहेगा, पॉजिटिव। इसलिए अंतराल 3.∞ पर दिया गया फलन वर्धमान है। तो क्वेश्चन में जो बोला गया था कि वो अंतराल जिन पर फलन वर्धमान है, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसका जवाब दे सकता हूं, जो हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट उन्होंने मांगा था वो अंतराल जिन पर दिया गया फलन वर्धमान है, तो अंतराल जिन पर दिया गया फलन, अंतराल जिन पर दिया गया फलन वर्धमान है, कौन कौन से अंतरालों पर फलन वर्धमान है, एक तो इस पर वर्धमान है -2.1 पर, एक 3.∞ पर, तो -2.1 पर और दूसरा 3.∞ पर। बी पार्ट पे वो अंतराल जिन पर फलन ह्रासमान है, तो अंतराल जिन पर दिया गया फलन, अंतराल जिन पर दिया गया फलन ह्रासमान है, वो कौन से इंटरवल होंगे, आप देखिए, एक तो -∞ -2 पर ह्रासमान है और एक 1.3 पर ह्रासमान है, -∞ -2 और दूसरा है 1.3, इन पर फलन ह्रासमान है। तो वर्धमान किन अंतरालों पर है वो भी मिल गए हमको, ह्रासमान जिन अंतरालों पर है वो भी हमको मिल गए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट हो जाता है। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद 48 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 48 मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है सिद्ध करिए कि फलन fx इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 से प्रदत्त फलन, ये एक फलन दिया गया है 0.π/4 में, ये एक अंतराल दिया है, ओपन इंटरवल 0.π/4 में निरंतर वर्धमान फलन है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, बड़ा इजी है। इस बार तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें अंतराल निकालना भी नहीं है, ऑलरेडी एक इंटरवल हमको दिया गया है, बस इस दिए गए अंतराल पर ही आपको बताना है कि फलन निरंतर वर्धमान है, बस इतना सा दिखा देना है। लेकिन f डैश x तो निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, f x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको हम थोड़ी देर के लिए x माने ले रहे हैं, तो ये बन गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वेयर। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही होता है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज और देखिए, जिसको आपने x माना क्या वो वाकई में केवल x है, ऐसा नहीं है, वो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो उसका हमको अवकलन करना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो ये ऐसे आ जाएगा। इस तरह से बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर आ गया अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल करके आ गई। अब ऑलरेडी एक दिए गए अंतराल पर ही हमें यह चेक करना है कि दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है, तो हम एक काम करते हैं, अंतराल 0 to π/4 में एफ डैश एक्स को चेक कर लो कि इसका निशान कैसा है। भाई आप याद करें, कोई भी फलन किसी अंतराल पर वर्धमान है या ह्रासमान है ये डिपेंड करता है कि उस अंतराल में एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, उस इंटरवल पर एफ डैश एक्स का निशान कैसा है, इसी पर तो निर्भर करता है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि इस अंतराल पर आपका फलन कैसा है वर्धमान या ह्रासमान, तो आप इस अंतराल पर एफ डैश एक्स का निशान चेक कर लो। ये अंतराल है 0 to π/4 यानी कि 0 to 45, इस पर आप इसका अंतराल इसका निशान चेक कर लो। तो आप एक काम करो, 0 to π/4 के बीच का कोई भी एंगल ले लो और उसे एफ डैश एक्स में लिख लो, उससे उसका निशान मिल जाएगा आपको। तो 0 to 45 के बीच कोई भी एंगल ले लो, हम ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं और इसमें लग के चेक करते हैं वैल्यू कितनी आएगी। मैं बार बार कहूंगा मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं निशान चेक करना चाहता हूं केवल। और 0 to 45 के बीच में 30 आता है, इसलिए मैं 30 पर चेक कर रहा हूं, एक्स की जगह 30 ले लेते हैं हम। तो कॉस 30 π/6 माइनस साइन π/6 अपॉन 1 प्लस साइन π/6 प्लस कॉस π/6 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब रखिए वैल्यू कॉस π/6, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 30 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। आप देखो अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। बस इतने से ही आपको चेक हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे अगर तो ये डिनोमिनेटर तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, कहीं कोई माइनस नहीं है, ऊपर माइनस है, क्या इससे हमारा फलन माइनस बनेगा या प्लस बनेगा, ध्यान से देखो। अंडर रूट 3 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1.732। अब 1.732 में 1 माइनस करो तो प्लस आएगा कि माइनस, 1.732 में अगर 1 माइनस करोगे तो प्लस नहीं तो वैल्यू आएगी, मतलब अंश भी पॉजिटिव हर भी पॉजिटिव, इसलिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव। Therefore, f dash x will be positive. और क्योंकि इस अंतराल पर f dash x positive है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए अंतराल 0 to π/4 में दिया गया फलन वर्धमान है, ठीक। यही हमको सिद्ध भी करना था, देखिए बस इतना सा आपको करके दिखा देना है।
ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। इसके बाद मैं यहीं पर बेटा क्वेश्चन नंबर 49 कर देता हूँ, आप इसे यहीं पर देख लें। एग्जाम्पल नंबर 49, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से देखिए। लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है। वृत्ताकार डिस्क है, चकती, और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है। प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। जब आप गर्म करते हैं, साइंस में आपने पढ़ा है कि गर्म करने पर धातुएं फैलती हैं, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो वो फैलना शुरू हो जाती है और एक सेकंड में 0.05 सेंटीमीटर उसका रेडियस बढ़ रहा है। वह दर ज्ञात कीजिए जिसका इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा। कब? जबकि इसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। ओके, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं, माना माना वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या स्मॉल r है। तब हमको दिया गया है, क्या बातें हमको दी गई हैं, त्रिज्या के बढ़ने की दर दी जा रही है। पहले तो मतलब ddt ऑफ r की वैल्यू दी गई है, कितनी, वो है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस की वैल्यू दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन में पढ़कर कन्फ्यूजन हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं कि ऊपर भी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की, और नीचे भी इसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर लिखी है, हमें कौन सी लेनी है? तो आपको वो त्रिज्या लेनी है, आपको क्षेत्रफल के बढ़ने की दर पता लगानी है। कब पता लगानी है? जब त्रिज्या 3 हो तब, या जब त्रिज्या 3.2 हो तब। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें डिस्क के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर उस वक्त पता लगानी है जब त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। इसलिए r की जगह 3.2 सेंटीमीटर लेंगे, r = 3 नहीं लेंगे। ओके, ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करनी है भाई हमको? क्षेत्रफल के बढ़ने की दर। तो यदि वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल a हो, यदि वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल a हो, तब ddt ऑफ a, ये हमको मालूम करना है। बस कितना आसान है, अब सॉल्यूशन कर देते हैं हम इसका। वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल, यहां से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर होता है ना, हमें da बाई dt चाहिए, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ddt of a is equal to pi, और r square का 2r साथ में ddt of r, ठीक है? ओके, 2 की जगह 2, pi की जगह pi, r की जगह r की वैल्यू 3.2, ddt of r, ddt of r की वैल्यू है 0.05। सॉल्व कर लीजिए, सबसे पहले 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10 को 32 से गुणा करेंगे तो 320 पाई। लेकिन अब दशमलव का चेक करिए तो 2 और 1 3 अंक पे दशमलव लगेगा यहाँ पर, इसलिए dA अपॉन dt की वैल्यू आ गई 0.32 पाई एरिया अपॉन टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका मतलब जो एरिया होगा वो 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा होगा। ये हमारा एग्जांपल नंबर 49 हमने कर लिया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं, नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा एग्जांपल नंबर 50।
लिखा है एल्यूमिनियम की 3 मीटर बाई 8 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटने पर बने एल्यूमिनियम के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाया गया है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आप पहली बार नहीं, पहले भी लगा चुके हैं एक्सरसाइज में, 2 क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं। मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। एक हमारे पास एल्यूमिनियम की शीट है और एल्यूमिनियम की जो ये शीट है इसकी डायमेंशंस हैं 8 मीटर 8 मीटर बाई 3 मीटर, ऐसी इसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये 8 मीटर लेंथ और 3 मीटर इसकी विड्थ है, इस तरह से। अच्छा, इसमें क्या किया, इसके चारों कोनों से 4 वर्ग ऐसे काट के निकाल दिए गए हैं, इस तरह से वर्गाकार आकृतियां काट के हटाई गई हैं। आप समझते भी हैं, इसको मैंने पूरा आपको करके दिखाया था, ये हटा दिया गया यहां से ऐसे। तो इन्होंने बोला अधिकतम आयतन ज्ञात करिए, तो ये मैं मान लेता हूं कि माना चारों कोनों से एक्स भुजा के वर्ग काटे गए हैं, माना एल्यूमिनियम शीट के चारों कोनों से एक्स भुजा के वर्ग काटे गए हैं। इसका मतलब ये भी x, 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 ऐसे x, 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 इस तरह से, ठीक। जब ये चारों वर्ग काट दिए जाएंगे तो जो आकृति होगी आपके पास वो किस तरह की बचेगी आप भी जानते हैं। ये वर्ग यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा और ये यहाँ से कटा, तो जो आकृति हमारे पास बचेगी वो इस तरह के फिगर बचेगा, इस तरह के एल्युमिनियम शीट बचेगी जिसमें ये सब एक्स सेंटीमीटर होंगे ऐसे, ठीक। मीटर में है तो एक्स मीटर होंगे, सारे के सारे मीटर में है, ओके। एक्स भुजा के वर्ग काटे गए, अब इन्हीं को फोल्ड करके संदूक बना दिया जाएगा। तो अब जो संदूक आएगा, संदूक की लंबाई कितनी रहेगी, देखो बेटा संदूक की लंबाई पहले कितनी थी, 8 में से इधर भी एक्स कम हो गया, इधर भी एक्स कम हो गया, तो ये इस लंबाई बची 8 माइनस 2x। संदूक की चौड़ाई 3 थी, इधर भी एक्स और ये भी एक्स चला गया, 2x चले गए, तो 3 माइनस 2x। ऊंचाई संदूक की कितनी होगी, ऊंचाई आपने पहले भी देखा था, ऊंचाई वही होगी जो ये इतना फोल्ड कर देंगे, ये x भुजा है ऊपर उठा हुआ, इसको फोल्ड कर देंगे, यही x इसकी हाइट बन जाएगी। अब संदूक का आयतन, इसलिए संदूक का आयतन, क्योंकि संदूक घनाभ के आकार का होगा और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आएगी 8 माइनस 2x, चौड़ाई है 3 माइनस 2x, ऊंचाई है x, इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व अगर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 3 24 माइनस 8 2 16x, फिर -6x + 4x² × x, v इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई करवा लो तो ये 24x माइनस, ध्यान से देखना, -16 और -6 मिलकर -22x बने, -22x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -22x², 4x² को x से करोगे तो 4x³, ये आयतन निकल करके आया। अब क्वेश्चन के मुताबिक आयतन कैसा होना चाहिए, अधिकतम, उच्चिष्ठ निर्मिष्ट के क्वेश्चंस में जिसके साथ अधिकतम या न्यूनतम लगता है वही हमारा फलन बनता है, तो यही हमारा फलन है क्योंकि आयतन ही है ये, तो
और आयतन ही अधिकतम दिखाना है तो ये हमारा फलन हो गया। अब इसी के साथ हम कैलकुलेशन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आएगा d dx ऑफ v इज इक्वल टू 24 माइनस 22 और x स्क्वायर का 2x होगा तो ये माइनस 44x, इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 12x स्क्वायर। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब v के अधिकतम मान के लिए v के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, dv अपॉन dx शुड बी इक्वल टू जीरो, या क्रांतिक बिंदुओं के लिए आप लिख सकते हो dv अपॉन dx कितना है, ये है 24 माइनस 44x प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर दीजिए, आप एक चीज़ देख सकते हैं, चार से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है तो कर देंगे, चार से इसको डिवाइड करिए 3x स्क्वायर, चार से इसको डिवाइड करिए माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब फैक्टर करिए, 6 3 18, 18 कैसे गुणनखंड की जोड़ने से 11 आ जाए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, 9 दूना 18, 9 और 2 11, 3x हमने कॉमन कर लिया तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन कर लिया तो x माइनस 3, इस तरह से ये x माइनस 3 आ गया इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब यहाँ से जब x की वैल्यूज आप निकालेंगे तो बेटा दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिली 3 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2/3, सो देर आर टू वैल्यूज ऑफ x, मीन्स देर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट इज वेरी फर्स्ट वन इज 3 एंड सेकेंड वन इज 2/3। लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हो पाया कि x की कौन सी वैल्यू के लिए आयतन अधिकतम है। अब आप सोचेंगे आप अधिकतम के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि आयतन अधिकतम है, इसलिए मैं भी आयतन अधिकतम कह रहा हूँ, न्यूनतम हमें देखना नहीं है, उसके लिए आपको इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। समीकरण एक से हम इसका अवकलन फिर से कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, 24 का 0 माइनस 44 एक्स का 1 प्लस 12 दुना 24 एक्स। अब इसकी वैल्यू इस पर और इस पर निकालेंगे। एक चीज आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसकी ये चौड़ाई कितनी है टोटल 3 मीटर, एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, एक्स क्या चीज है, जितने लंबाई का वर्ग आपने काटा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, और x की दो वैल्यूज हैं, या तो 3 मीटर भुजा का वर्ग काटा गया होगा या 2/3 मीटर भुजा का वर्ग काटा गया होगा। अब चौड़ाई 3 है, पूरी यहाँ से यहाँ तक 3 है, क्वेश्चन में x का मान भी 3 आया है, इतना भी 3 आया है, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी लंबाई भी 3 हो और इतनी बड़ी लंबाई भी 3 हो। आप वैसे भी देखो, यहां पर अगर ये एक शीट है, इससे अगर ये 3 है तो क्या 3 लंबाई का कोना कट सकता है, गलत हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 3 तो पॉसिबल नहीं है, फिर x इज इक्वल टू 2/3 ही पॉसिबल है, तो उसी पर निकालो, आप फालतू का ना करो। तो x इज इक्वल टू 2/3 पर डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2/3 लिखो तो माइनस 44 प्लस 24 गुणे 2/3, 3 8 24, माइनस 44 प्लस 16, ये वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू आएगी निगेटिव, इसलिए x इज इक्वल टू 2/3 पर v उच्चतम है, v क्या चीज है, संदूक का आयतन, तो x बराबर 2/3 पर संदूक का आयतन निम्नतम है या न्यूनतम है,
ठीक, ओ सॉरी, नेगेटिव है ना, उच्चतम है या अधिकतम है, अधिकतम है। अब अगर तीन पर रख के चेक कर दे तो हो सकता है न्यूनतम आ जाता, तीन रख के चेक कर लीजिए, एक्स की जगह तीन लिखते, 24 या 72 में 44 माइनस करते पॉजिटिव वैल्यू आती तो एक्स बराबर तीन पर निम्नतम आ जाता, हमको नहीं चाहिए, हमने नहीं लिखा इसीलिए। और वैसे भी देखो दो तरीके से, एक तो न्यूनतम आ रहा है इसलिए भी नहीं ले रहे, दूसरा 3 मीटर भुजा है और 3 मीटर का वर्ग काट दोगे कोने से तो ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है, इसलिए हमने उसको लिया ही नहीं। अब हमको ये पता चल गया कि संदूक का आयतन अधिकतम तो है और उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या यूज करिएगा, 2/3। ठीक, हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमको चाहिए संदूक का अधिकतम आयतन, तो हम संदूक का अधिकतम आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए संदूक का अधिकतम आयतन, अधिकतम आयतन, उसके लिए आप एक काम करें, x की जगह 2/3 लिखे कहां, संदूक के आयतन वाले सूत्र में, ये आयतन का है ना, इसमें लिख दीजिए। तो हमने लिखा 24x माइनस 22x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब। अब x की जगह 2/3 लिखे तो 24 × 2/3 माइनस 22 × 2/3 यानी कि 4/9, 2/3 का क्यूब 8/27। इसे आपको हल करना है भाई, तो 3 × 8 = 24, v बराबर 16 माइनस 22 × 4 = 88/9 प्लस 4 × 8 = 32/27। इसके नीचे एक मान लीजिए, 27 LCM ले लीजिए, एक का भाग देंगे 27 का 16 से गुणा करा देंगे, 16 × 7 = 112 से लगे 11 32 और 11 43 माइनस 9 से डिवाइड किया, 3 बार में गया, 3 को गुणा करेंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 = 26, 27 एक ही बार जाएगा 32, v बराबर 432 + 32 464 − 264/27, 464 में 264 घट गए तो 200/27 इतना, और मीटर में है तो फिर मीटर क्यूब, ये संदूक का अधिकतम आयतन आएगा 200/27 मीटर क्यूब। ठीक है, और क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो आई होप कि अभी ये समझ में भी आ गया होगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे, तो आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल का सबसे लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 51, उसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा 51 नंबर है, लिखा है एक निर्माता रुपए 5 − x/100 प्रति इकाई की दर से एक्स इकाइयाँ बेच सकता है, मतलब इकाइयाँ मतलब वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं वो निर्माता है, वस्तुएं बनाता है, क्या वस्तु बनाता है इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया है, लेकिन कुछ वस्तुएं बनाता है। ठीक है, तो उसकी एक वस्तु जो है वो 5 − x/100 रुपए की बिकती है एक वस्तु, और एक वस्तु इतने रुपए की बेचता है और टोटल कितनी वस्तुएं बेचता है, एक्स वस्तुएं बेच सकता है, ये लिखा है। तो एक वस्तु की बिक्री मूल्य कितना है, 5 − x/100, और कितनी वस्तुएं बेचता है, एक्स वस्तुएं। ठीक, एक्स इकाइयों का उत्पाद मूल्य रुपए 5 + 500 और सॉरी वो जो एक्स इकाइयां जो उसने बेचा है वो एक्स इकाइयों का उत्पाद मूल्य कितना है, जब बना रहा था उसको कितना खर्चा आता है, उसको खर्चा आता है पूरी एक्स इकाइयों को बनाने में 5 + 500 का खर्चा आता है, ये क्रय मूल्य हो गया। इकाइयों की वह संख्या ज्ञात करिए जो उसे अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। आपको इकाइयों की संख्या पता लगानी है, मतलब एक्स की वैल्यू पता लगानी है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए, जिससे कि उसका लाभ कैसा हो, अधिकतम। अब बड़ा सिंपल है, किसके साथ अधिकतम शब्द लगा, लाभ के साथ, तो लाभ ही हमारा क्या होगा, फलन बनेगा। लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो पहले विक्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य निकालो, विक्रय में क्रय माइनस कर दो तो लाभ आ जाएगा और लाभ हमारा फलन हो जाएगा, बस इतना सा काम है। तो यहां पर सबसे पहले यहां
या माना, वैसे उन्होंने दिया है तो आप सीधे लिख लो। यहाँ एक्स इकाइयों की संख्या जो बेची जाती हैं, बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या। ठीक, सबसे पहले इन्होंने बोला एक इकाई का विक्रय मूल्य 5 - x/100 है। देखो लिखा है ना 5 - x/100 प्रति इकाई की दर से x इकाइयां बेच सकता है, मतलब एक वस्तु एक 5 - x/100 की बिकती है। तो x वस्तु में कितने की बिकेंगी, विक्रय मूल्य, x इकाइयों का विक्रय मूल्य। x इकाइयों का विक्रय मूल्य, जिसे आप सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, x इकाइयों का विक्रय मूल्य, उसके लिए एक इकाई का विक्रय मूल्य गुणे x कर दिया जाए। एक इकाई कितने में बिकती है, 5 - x/100। मैं ऐसे बुक को ले लेता हूं, 5 - x/100 इंटू एक्स, एक इकाई इतने रुपए की बिकती है, आपने तो x बेचे हैं तो x का गुणा करवा दो। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 5x - x²/100 इतने रुपए, 5x - x²/100 ये सेलिंग प्राइस आ गया। ओके अच्छा, अब क्वेश्चन के मुताबिक x इकाइयों का उत्पाद मूल्य कितना है, x इकाइयों का उत्पाद मूल्य यानी कि उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, तो इन्होंने दिया है कि x इकाइयों का उत्पाद मूल्य, पूरी x इकाइयों का उत्पाद मूल्य उन्होंने दे दिया है रुपए, x/5 + 500, ये x इकाइयों का उत्पाद मूल्य है। तो इकाइयों की वो संख्या ज्ञात कीजिए कि अधिकतम लाभ अर्जित कर सके। आपको इकाइयों की संख्या पता लगानी है, यही x आपको पता भी लगाना है। ठीक है, अधिकतम लाभ अर्जित कर सके, अब क्योंकि लाभ के साथ अधिकतम है तो लाभ ही हमारा फलन बनेगा, तो आप लाभ निकाल लेते हैं। आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं लाभ को, क्योंकि हम प्रॉफिट कहते हैं तो हम इसको पी से लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा लाभ कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एक काम करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए, ये विक्रय मूल्य है उसमें से ये उत्पाद मूल्य माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5x - x²/100 विक्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य ये माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे, x/5 - 500। ओके, आप देखें 5x - x/5, 25x - x, 24/5x, -x²/100 -500, ये प्रॉफिट निकल करके मिल गया हमको। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमें, 24/5x इन दोनों का सॉल्यूशन, -x²/100 -500, ये लाभ निकल आया, और लाभ हम कैसा चाहते हैं, अधिकतम। तो यही फलन है और इसी के साथ कैलकुलेशन करनी है। एक वेरिएबल है, कोई दिक्कत भी नहीं है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d/dx(p) = 24/5x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 24/5, -x²/100 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 2x/100, x² 2x/100, 500 का 0 हो गया। इस तरह से d/dx(p) की वैल्यू कितनी आ गई, 24/5 - x/50। अब
क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदु मतलब एक्स के मान के लिए। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या होना चाहिए? ddx ऑफ p शुड बी इक्वल टू जीरो। क्रांतिक बिंदुओं के लिए ddx ऑफ p का मान जीरो के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ddx ऑफ p की ये वैल्यू है 24/5 माइनस x अपॉन 50 शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको उधर भेज दीजिए तो 24/5 इज इक्वल टू x अपॉन 50। उधर जाके प्लस हो गया ना, 5 से इसको कैंसिल किया 10 टाइम्स में, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 240। x की वैल्यू 240 आ तो गई, लेकिन अभी ये तो बत कहना मुश्किल है ना कि x बराबर 240 ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि सही आंसर तो वो होगा जिसके लिए लाभ अधिकतम होना चाहिए। तो x बराबर 240 पर वाकई में लाभ अधिक, जब x बराबर 240 अर्थात 240 वस्तुएं बेची जाएंगी तो वाकई में लाभ अधिकतम होगा कि नहीं होगा, ये तो चेक करना है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। समीकरण एक से, समीकरण एक से का मतलब इसका दोबारा अवकलन कर दें एक बार, तो यहीं से डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका जीरो हो जाएगा, ये माइनस 1/50, ये जीरो माइनस x का 1/50, ये ऐसा आ गया। अब x बराबर 240 पर x इज इक्वल टू 240 पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब x की जगह 240 लिखिए कहाँ, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर में, लेकिन यहाँ तो x है नहीं, तो जो है वो तो लिखोगे आप माइनस 1/50, दैट इज नेगेटिव। और x बराबर 240 पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नेगेटिव आना इस बात का संकेत है कि x बराबर 240 पर p अर्थात लाभ अधिकतम है। इसलिए x बराबर 240 पर लाभ अधिकतम है। ओके, x इज इक्वल टू 240 पर जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया, अब करना क्या है ये पता लगाना है। उन्होंने बोला कि इकाइयों की वो संख्या ज्ञात करो जो उससे अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। तो ठीक है, बस यही है। तो कितनी वस्तुएं अधिकतम लाभ के लिए, कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 240। इसलिए स्पष्ट है कि निर्माता को, स्पष्ट है कि निर्माता को अधिकतम लाभ के लिए दो सौ चालीस इकाइयों को, 240 इकाइयां बेचनी चाहिए। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर ध्यान बस इतना देना था कि जो विक्री मूल्य था वो एक इकाई का दिया था इतना, इसलिए जब x इकाइयों का विक्रय मूल्य निकाला तो हमने गुणा कराया। लेकिन जो उत्पाद मूल्य था वो एक इकाई का नहीं था, उत्पाद मूल्य पूरी x इकाइयों का था, इसलिए गुणा नहीं कराया हमने, लाभ निकाला और उससे हमारा सॉल्व होके आंसर आ गया। और इस तरह से मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। और आज हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में मिसलेनियस एग्जाम्पल कर लिए हैं, यहीं तक रखेंगे। मैथमेटिक्स में और भी आगे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी है उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।